अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये बहुत से दोस्त पूछते हैं कि कोई गाड़ी ऐसी बताएं जो फ्री मिल जाए, बहुत ही सस्ती हो, पैसे ज़्यादा नहीं है पास, तो कौन सी गाड़ी हमें लेनी चाहिए? भाई गाड़ियाँ सस्ती नहीं हैं, गाड़ियाँ सब महंगी हैं। तो सस्ती गाड़ी अभी देखें, सबसे सस्ती गाड़ी वो पड़ेगी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है जिसकी, जैसे पाकिस्तान में सुजुकी है, ऐसे ही हर मुल्क की जिसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, वो गाड़ी सबसे आपको सस्ती पड़ेगी, जिसके स्पेयर पार्ट्स उसी मुल्क में बन रहे हैं। ठीक है, जिसके स्पेयर पार्ट्स उधर बन रहे हैं, वो स्पेयर पार्ट्स बहुत चीप हैं, गाड़ी की प्राइसें बहुत चीप हैं, और जितनी भी इम्पोर्टेड कार्स हैं उनकी प्राइसें बहुत ज़्यादा हैं। तो जब आप इंपोर्टेड कार्स ख़रीदेंगे, वो बहुत एक्सपेंसिव है, ख़रीदी नहीं जाएगी अगर पैसे ज़्यादा नहीं है। तो पहले आप देखें कि हमारे मुल्क में कौन सी गाड़ी बन रही है और उसके पार्ट्स भी अवेलेबल हैं और बहुत सस्ते हैं, और वो 5-7 लाख में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी कुछ लोग हैं मसलन जो पाकिस्तान में सपोज सुजुकी बन रही है, हर मुल्क में कोई ना कोई गाड़ी बन रही है और पार्ट्स भी उसके अवेलेबल हैं, लेकिन वो कहते हैं यार ये रिलायबल नहीं है ज़्यादा गाड़ी, और मुझे ये पसंद नहीं है, लोग बहुत बोलते हैं कि ये ख़राब हो जाएगी और ये चलती नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्त, जब आप गाड़ी ख़रीदें तो दो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, दो चीज़ें जिस पे ज़्यादा एक्सपेंस आ सकता है, एक तो इंजन और ट्रांसमिशन गियर। इंजन और गियर ये अच्छे तरीके से चेक करके, टेस्ट करके, ड्राइव टेस्ट करके, या किसी दोस्त को, एक्सपर्ट को, मैकेनिक को आप चेक करवा के ना, तो फिर आपने वो गाड़ी लेनी है। ये दो चीज़ें सही हो तो गाड़ी चलती रहेगी, नहीं रुकेगी। ठीक है, ये दो चीज़ें देख लें, कोई मेजर लीक नहीं है, अगर माइनर नीचे ऑयल स्टक है तो मुश्किल नहीं है, वो कोई सील होएगी या छोटा मोटा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेजर जैसे गाड़ी चल रही है और वो झटका मार रही है ट्रांसमिशन में, जब भी गियर शिफ्ट होता है तो वो गियर का इशू है। हाँ, अगर तो मैनुअल गियर है तो वो भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक है तो वो जितने की गाड़ी है उतना ही गियर की प्राइस में बाद में पैसे लग जाएंगे आपके। तो ये आपने ख्याल करना है कि उसका ट्रांसमिशन गियर परफेक्ट होना चाहिए, और दूसरा उसका इंजन। इंजन देखें, इंजन की साउंड सही है, गाड़ी जब आप भगा रहे हैं गाड़ी को, फास्ट चला रहे हैं, तो गाड़ी का पिक ठीक है, सही भाग रही है गाड़ी, गियर शिफ्टिंग सही है, तो ये कोई स्मोक तो नहीं है ज़्यादा। तो ये दो चीज़ें आपने श्योर कर लेनी है गाड़ी ख़रीदने से पहले, इंजन और गियर परफेक्ट हो। बाकी जितने गाड़ी में ज़्यादा काम है उतनी सस्ती आपको मिल जाएगी। ठीक है, एसी नहीं चल रहा, हाँ वो बन सकता है। ठीक है, या कोई लॉक ख़राब है, इंटीरियर फटा हुआ है, टायर पुराने हैं, हैं जी, कुछ ऐसे छोटे मोटे जितने ज़्यादा काम है वो आपको गाड़ी सस्ती में मिल जाएगी। ठीक है, और वो सब रिपेयरेबल हैं, बहुत चीप रिपेयरेबल हैं, क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चर्ड है गाड़ी और लोकल मार्केट में उसके पार्ट्स अवेलेबल हैं, और वो आपको बहुत ही सस्ते में, मेंटेनेंस भी उसकी बहुत सस्ती है। तो ये आप मत सोचें कि मुझे टोयोटा ही लेनी है या होंडा ही लेनी है और पैसे मेरे पास 5-7 लाख है और मैं इंतज़ार करूंगा। आप इंतज़ार करते रहेंगे, गाड़ियों की कीमतें ऊपर जाती रहेंगी, तो वो गाड़ी ख़रीदें जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है जिसकी, और जिसके स्पेयर पार्ट्स आपके मुल्क में अवेलेबल हैं, वो ख़रीदें। वो एक तो आपको सस्ती मिलेगी, पार्ट्स अवेलेबल हैं और रीसेल भी उसकी बहुत फास्ट है क्योंकि वो सस्ती है। अभी कुछ लोग बोलते हैं यार ये टोयोटा है और होंडा है, बाकी कोई गाड़ी, बाकी सब बेकार है। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्त, मैंने देखा है लोग 20-20 साल से गाड़ियां चला रहे हैं, एक ही गाड़ी 15 साल से चला रहे हैं, और सुजुकी ही चला रहे हैं भाई, सुजुकी ही चला रहे हैं, और सस्ती मेंटेनेंस है, चल रही हैं, बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, बस दो चीज़ें सही हैं, इंजन और गियर, और गाड़ी चलती रहती है। गाड़ी की आप मेंटेनेंस टाइम पे करें। गाड़ी ख़राब कब होती है? जब इंजन ऑयल लीक है और आप केयर नहीं कर रहे और इंजन ऑयल कम होता जा रहा है, और एक टाइम आएगा कि वो इंजन ख़राब हो जाएगा और गाड़ी रोड पर रुक जाएगी, या फिर गाड़ी का रेडिएटर लीक है
और आपने गाड़ी गर्म कर दी, हीटअप हो गया इंजन, हेड गैसकेट खराब हो गई, तो फिर आपको इंजन दोबारा बनाना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें जो हैं, ये मेंटेनेंस अगर आप टाइम पे करें गाड़ी की, इंजन और गियर ये चीज़ों का ख्याल रखें, पूरे लिक्विड्स हर वक्त गाड़ी में पूरे होने चाहिए। ऐसा नहीं है ब्रेक ऑयल कम है, गियर ऑयल कम है, इंजन ऑयल कोई लीकेज है, ये चीज़ें आप हमेशा ख्याल रखें। गाड़ी में आपके लिक्विड्स हर टाइम फुल हैं, ये तेल पानी फुल है हर वक्त, गाड़ी आपकी कभी भी रोड पे नहीं रुकेगी। गाड़ी हमेशा उसी टाइम रुकती है जब गाड़ी में या इंजन ऑयल कम है और या रेडिएटर लीक हो गया, सही है ना। जब लीकेज है तो आप फौरन वर्कशॉप में जाएं, उसको फिक्स करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी गाड़ी नहीं रुकेगी। ये चीज़ें, गाड़ी कोई भी है, कोई भी गाड़ी है, ये मत सोचें कि ये टोयोटा है और चलती रहेगी और ये सुजुकी है और ये रोड पे रुक जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्त। और अगला पॉइंट है जी कि ये सस्ती गाड़ी तो आपको पता चल गया कौन सी मिलेगी, ये तो क्लियर हो गया। जो लोकल मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी है उसके पार्ट्स भी अवेलेबल हैं वही सस्ती है, जो इंपोर्टेड हैं उनके पार्ट्स भी एक्सपेंसिव हैं और कस्टम ड्यूटी बहुत है, इसलिए उनकी प्राइसेस, जो सुजुकी आपको 5-7 लाख की मिल जाएगी, वो दूसरी होंडा टोयोटा के पीछे जाएं तो शायद सेम मॉडल जो है वो 15-20 हज़ार का, 15-20 लाख का मिले, तो ये इतना डिफरेंस है। दोनों आपकी बेसिक नीड फिल कर सकती हैं भाई, पैसे बहुत कम है, गाड़ी चाहिए, ऑफिस में ले जाए, छोटे मोटे काम आपके कर दे, तो कोई भी गाड़ी कर सकती है, जो भी आपको सस्ती मिलती है ना, कोई भी गाड़ी, बस वो लें जिसके पार्ट्स लोकल मार्केट में अवेलेबल हैं, और जो सस्ते मिलती है वो ले लें, बेखौफ होके ले लें, बिंदास होके ले लें, ठीक है। लोगों की बातों पे मत जाएं, ये गाड़ी सही है, वो ख़राब है, ये सही नहीं है, ये ब्रांड सही नहीं है, नहीं तो आप गाड़ी कभी ले ही नहीं सकेंगे, सही है ना। तो ये जहन से निकाल दें कि सुजुकी बुरी है या क्रोला अच्छी है या होंडा। आपने कौन सा, कोई 50 साल गाड़ी चलानी है, शायद साल दो 5 साल, अगर बहुत सस्ती मिल गई है अपनी बेसिक नीड पूरी करें, और 2-4-5 साल जैसे आपके पास पैसे और आए तो नया मॉडल ले लें, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे क्या है जनाब के, हाँ जी, तो ये तो है कि सब जो भी गाड़ियाँ बनी है ना वो रिलायबल ही हैं, आप मत सोचें कि एक ब्रांड की गाड़ी जो है वही रिलायबल है और दूसरी की जो है वो सही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपने गाड़ी मेंटेन की हुई है वो सब गाड़ी सही अच्छी हैं, और जो मेंटेनेंस नहीं की हुई वो गाड़ियाँ वो ख़राब ही होंगी, वो कोई भी ब्रांड की है वो गाड़ी ख़राब ही होएगी। चलें ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। तो एक और पॉइंट था कि सस्ती गाड़ियाँ ढूंढें किधर से, सस्ती गाड़ियाँ ढूंढें किधर से, अच्छा ये है कि ये इंटरनेट से, इंटरनेट से सर्च करें, हर मुल्क की अपनी लोकल वेबसाइट्स हैं उनमें जाएं। अभी गाड़ी की प्राइस 2006 5-6 मॉडल है या कोई पुराना मॉडल है, और लोग प्राइस 10-12 लाख लगा देते हैं, तो आपके पास जो बजट है वो 5 लाख है, गाड़ी की प्राइस जो है वो 10 लाख लगी हुई है, ये भी एक इशू है भाई, सस्ती गाड़ी मिलेगी किधर से, गाड़ियों की प्राइसें तो आसमान को छू रही हैं। अच्छा ये है यार कि जो गाड़ी, ये लोगों का लाइफस्टाइल है, गाड़ी की जो बेचने की कीमत है वो कुछ और होती है और जो लगा देते हैं कुछ और, वो बोलते हैं एक हाईएस्ट प्राइस लगा दो नेट पे, देखते हैं बेस्ट ऑफर क्या मिलती है, तो फिर जो बेस्ट ऑफर होएगी हम उसको गाड़ी दे देंगे। तो आप ये मत सोचें कि उसने अगर 10 लाख या 15 लाख लगाई है तो उसकी वही फाइनल प्राइस है, ऐसी बात नहीं है। आप उसको टेक्स्ट मैसेज करें, भाई मेरे पास 5 लाख है, 7 लाख है, यही मेरा बजट है, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है। सपोज वो बोलता है नहीं, ये 9 लाख से कम गाड़ी नहीं मैं दूंगा, आप बोलें ठीक है, ओके ऑल राइट, आप उसे टाइम फिक्स करें, गाड़ी चेक करें, गाड़ी चेक करें, वो गाड़ी पुरानी है तो वो परफेक्ट कंडीशन में नहीं होगी, उसमें काम तो होएंगे ही, ठीक है ना। दो चीज़ों का आपने ख्याल कर लेना है कि गाड़ी का इंजन और गियर बिल्कुल सही हो, ये दो चीज़ें खराब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अगर ये दो चीज़ें खराब हैं आप गाड़ी मत खरीदें,
क्योंकि ये दो चीजें खराब है ना तो जितने की गाड़ी है उतने पैसे ऊपर लग जाएंगे, समझ गए। ये दो चीजें परफेक्ट होनी चाहिए, वो तसल्ली करके श्योर करके ये गाड़ी लें, किसी प्रोफेशनल से चेक करा लें इंजन और गियर। बाकी जितना टूटी फूटी ये वो जो भी है वो रिपेयरेबल है, लोकल मेड गाड़ी है और वो चीप है, उसकी पार्ट्स बहुत चीप है और अवेलेबल है। तो अगर वो बंदा बोल रहा है जी 9 लाख से गाड़ी कम नहीं होएगी या 10 लाख मेरी फाइनल प्राइस है, आपका बजट है 6 लाख 7 लाख, आप बोले ठीक है भाई चलें गाड़ी चेक तो कराएं। गाड़ी चेक करेंगे आपको उसमें बहुत से पुरानी गाड़ियों में बहुत से फॉल्ट नजर आएंगे, कोई शायद इंटीरियर खराब है, डोर टूटे फूटे, हैंडल टूटे हैं, टायर पुराने हैं, तो आपको कीमत रिड्यूस करने के बहुत से पॉइंट तो मिल जाएंगे कि भाई टायर मैंने चेंज करने हैं, ये इंटीरियर फटा हुआ है, ये गाड़ी की सर्विस होने वाली है, गाड़ी का पेंट खराब हुआ पड़ा है, डेंट है, स्क्रैचेस हैं, ये है वो है। जैसे ही वो आपको 8-10 चीजें उसको ढूंढ के बता देंगे ना तो उसकी समझ आ जाएगी, वाकई यार इसके तो टायर भी चेंज होने वाली है, गाड़ी का थोड़ा लीकेज भी है नीचे से, या इंटीरियर भी फिक्स होने वाला है, ब्रेक जब आप चलाएंगे तो आपको पता चलेगा ब्रेक भी परफेक्ट नहीं है। यूज्ड कार में हजारों चीजें आपको मिलेंगी, आप उससे डिस्कस कर सकते हैं कि देखो भाई ठीक है, अगर आपकी गाड़ी की कीमत 15 लाख आपने लगाई है या 12 लाख और आप 10 लाख या 9 लाख लास्ट बोल रहे हो, ठीक है मैं ले लेता इतने की गाड़ी अगर आपकी गाड़ी ये परफेक्ट होती, लेकिन ये गाड़ी के ऊपर मेरा 5-7 लाख लग जाना है तो खुदा के बंदे कोई कीमत कम करो। तो आप उसको जैसे बताएंगे वो डेफिनेटली 90% ऐसा होता है कि लोग कीमत कम कर देते हैं, ठीक है। जैसे वो 1-2 लाख कम करेंगे आप जो है फिर वो जैसे भी नेगोशिएशन करके उससे आप वो गाड़ी ले लें, ठीक है। तो ये है सस्ती गाड़ी, या फिर आपका कोई रिलेटिव है, दोस्त है, सेल कर रहा है, उससे कांटेक्ट करें और वो भी आपको रीजनेबल प्राइस मिल सकती है। तो नेट पे जो प्राइसें बहुत ज़्यादा हैं वो देख के परेशान नहीं होना, ये लाइफ स्टाइल है लोगों का। जब गाड़ी लगाते हैं तो 5 लाख की गाड़ी है 10 लाख लगा दी, 10 लाख की 15-20 लाख की लगा दी, लेकिन वो एक्चुअल प्राइस नहीं है। हम गाड़ियों का ही काम करते हैं, हम गाड़ियाँ सेल करते हैं भाई, हमारा शोरूम है। तो ये देखें हमारा शोरूम, ये देखें कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, सब ब्रांड्स की गाड़ी हैं, मर्सिडीज, बीएम, कमारो, टोयोटा, भरा हुआ है शोरूम, 40-50 गाड़ियाँ खड़ी हैं, ठीक है। ये मैं कोई 10-15 साल से इसी बिजनेस में हूँ, तो हम भी इधर ऐसे ही करते हैं दोस्त। वो गाड़ी की कीमत जब वो 40 हजार दरम लगी हुई है और जब बेचने को जाते हैं तो वो 30 हजार की जाती है, 32 हजार की जाती है, तो फिर हम लोग भी कीमत थोड़ी ऊपर लगा लेते हैं। कभी कस्टमर आते हैं ना तो वो बोलते हैं आके, अभी हमें मसलन 30 की बेचनी है ना, तो अगर 30 ही रखेंगे ना तो कस्टमर आगे बोलेगा मेरे पास 20 है, 20 है भाई, 20 हजार दरम है, इससे ज्यादा नहीं है, तो आप 30 की कैसे बेचेंगे। तो डेफिनेटली फिर आपको 40 की लगानी पड़ेगी या 35 की या 32 की, तो फिर आप डिस्काउंट करेंगे, जो आपको एक रीजनेबल प्रॉफिट मिल रहा है फिर आप उसमें सेल कर दें। तो जितनी भी नेट पे गाड़ियां लगी हैं जो आप देख रहे हैं कि प्राइसें उनकी 50% अप हैं जी, 30-40% अप हैं, कुछ लोग तो 100% ऊपर लगा देते हैं, हैं 5 लाख की गाड़ी 15 लाख की लगा देते हैं। वो आइडिया ये है, उसके पीछे साइंस ये है कि चलो हर आदमी को तो कीमत पता नहीं है, कोई ना कोई तो ले लेगा, सही है ना। तो ये नेट की प्राइसों पे आप मत जाएं, प्रैक्टिकल प्राइसें जो हैं वो गाड़ियों की और होती हैं जो नेट पे लोग लगा देते हैं, बस छोड़ें इस बात को। तो आपको गाड़ियों की प्राइस भी आप चेक कर सकते हैं, नेट पे सर्च करें, नेट पे आप सर्च करें और देखें कि एवरेज प्राइस ये कार की कितनी चल रही है मार्केट में, देखें आपको कोई लाख नीचे ऊपर, कोई 5 लाख नीचे, कोई 10 लाख ऊपर, वो डिफरेंट प्राइसें मिलेंगी, तो आपको एवरेज प्राइस का आइडिया हो जाएगा कि भाई ये 2006 मॉडल सुजुकी है और इसकी कीमत एवरेज जो है मसलन 8 लाख है जो नेट पे चल रही है। तो उसका मतलब नहीं कि वो 8 लाख की ही आपको मिलेगी, हो सकता है वो 6 लाख की मिल जाए, वो 5 लाख की मिल जाए। तो इसके पीछे गाड़ी खरीदनी कैसे है और प्राइस कैसे कम होती है गाड़ी की, वो भी आपको पता चल गया। आपने ये नहीं बोलना कि मैंने गाड़ी देखनी नहीं है या कॉल करके ही वो कॉल पे ही फ्री हो जाना है कि वो बोल रहा है भाई मेरी गाड़ी तो 15 लाख की है तो इसे कम मैं नहीं सेल करूंगा। हाँ अगर वो बोल रहा है कि हाँ नेगोशिएबल है तो आप जाएं,
ऐसा ना हो कि वो बोले ये लॉक उसने लगा दिया कीमत पे, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहें, क्योंकि आप इतनी दूर से जाएंगे अपना टाइम ज़ाया करेंगे, और जब पहुंचेंगे वो बोलेगा भाई मेरी गाड़ी की तो प्राइस मैंने आपको बोला था इससे कम नहीं करनी। आप उससे पहले पूछ लें सेलर से कि प्राइस निगोशिएबल है, प्राइस निगोशिएबल है, फिर जाएं, ठीक है, नहीं तो मत जाएं। और जाके गाड़ियों में फॉल्ट ढूंढें, देखें बहुत से फॉल्ट हैं, पुराने टायर हैं, ये इंटीरियर टूटा फूटा है, कोई लीकेज है, कोई पेंट होने वाली है, डेंट हैं, स्क्रैचेज हैं, जब चलें गाड़ी चलाएंगे तो भी जो हिडन फॉल्ट और भी मिलेंगे आपको। तो गाड़ी की प्राइस कैसे रिड्यूस होती है, गाड़ी चेक करके, टेस्ट करके, चला के, देख के हर चीज़, फिर उसकी प्राइस कम होती है, बातों से नहीं कम होती। फ़ोन पे ही आप लगे हैं, यार मेरे पास तो 5 लाख है, वो बोल रहा है मेरे मेरी गाड़ी तो 12 लाख की है, तो ऐसी ऐसे वो कभी नहीं होएगा। आप प्रैक्टिकल जाएंगे, गाड़ी टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, कोई 2-4 लाख वो कम करेगा, कोई 1-2 लाख आप ऊपर करेंगे, तो बीच में कोई डील हो जाएगी नेगोशिएशन करके, उसको समझा के कि इस गाड़ी में मुझे और भी 2-4 लाख लगाना है, तो फिर ये रनिंग कंडीशन में होगी। तो ये आइडिया है गाड़ी को इंटरनेट पे ढूंढने का। सस्ती गाड़ी आपको कैसे मिलेगी ये भी पता चल गया, भूलना नहीं, जो आपके मुल्क में बन रही है, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उसी मुल्क में बन रही है, वही सस्ती गाड़ी है, इम्पोर्टेड गाड़ी नहीं। जो आपके मुल्क में नहीं बन रही, उसका प्रॉब्लम ये है कि उसके फिर अगर सस्ती मिल भी जाती है तो फ्यूचर में उसके पार्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, वो शायद वो भी उनको इम्पोर्ट करने हो, उस पर कस्टम ड्यूटी हो, तो वो पार्ट्स अवेलेबिलिटी नहीं होगी, गाड़ी रुक जाएगी छोटी छोटी प्रॉब्लम से। जो जो लोकल मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी है वो खड़े पांव आपको रेडी कर देंगे, जैसे ही वर्कशॉप में जाएंगे वो पार्ट्स का अरेंज करेंगे उसी टाइम, आधे घंटे घंटे में, ये लो भाई हर चीज़ इसकी रेडी है ले जाओ। लेकिन जो इम्पोर्टेड गाड़ी है शायद उसके पार्ट्स अवेलेबल ना हो, इवन दो वो आपको चीप मिल गई है और पार्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, और वो आपको बोले भाई ये तो 2 हफ्ते लगेंगे पार्ट्स अरेंज करने का। इसलिए आप अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है या बहुत सस्ती है आपको गाड़ी चाहिए, तो जो आपके मुल्क में गाड़ी बनी है बस वही लें, इम्पोर्टेड नहीं लें, सब गाड़ियाँ रिलायबल हैं। मैंने आपको बोला ना गाड़ी का इंजन और गियर सही है, और उसकी आप मेंटेनेंस का ख्याल रखें, कोई गाड़ी खड़ी नहीं होती रास्ते पे, चलती रहती हैं, अगर रुक भी जाती है तो वर्कशॉप में जाएं, सेट करें, लोकल मैन्युफैक्चर्ड है, पार्ट्स उसके अवेलेबल हैं, वो फिर चलती रहेगी। यार लोग 10-10, 20-20 साल से गाड़ियाँ चला रहे हैं, मेरे पास भी गाड़ी है 23 ईयर ओल्ड है, 9 लाख किलोमीटर चली हुई है, ज़बरदस्त चल रही है, सिर्फ दो चीज़ें, इंजन और गियर उसका सही है, और हमेशा टाइम पे मैंने वो सर्विस उसकी की है, कभी कोई फॉल्ट नहीं आया, गाड़ियाँ चलती रहती हैं कोई भी ब्रांड की हो, ठीक है ना। तो ये आपने परेशानी होना, तो थैंक यू वेरी मच, चलो फिर नेक्स्ट टाइम कोई नया टॉपिक पे बात करेंगे, अल्लाह हाफिज़।